सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनसाफ सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट इंडो रशियन समिट को लेके है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 4 और 5 अक्टूबर को रशियन प्रेसिडेंट इंडिया के विजिट पर आ रहे हैं और इस दौरान इंडिया और रशिया के बीच कई सारे डिफेंस डील फाइनल किए जाने वाले हैं। इनमें से S400 डील सबसे मेजर डील होने वाली है और साथ ही 4 तलवार क्लास की फ्रिगेट्स को लेकर भी इंडिया और रशिया के बीच बातचीत होने वाली है। लेकिन अभी पता चला है कि इस मीटिंग के दौरान इंडिया और रशिया के बीच होने वाली 200 कामोव 2260 हेलीकॉप्टर डील को भी फाइनल किया जा सकता है, जिसको कि एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तौर पर किया जा रहा है। और इसके अंदर खरीदे जाने वाले 200 हेलीकॉप्टर में से 60 हेलीकॉप्टर डायरेक्टली फ्लाई अवे कंडीशन में ही रशिया की तरफ से डिलीवर किया जाएगा और बाकी चॉपर्स को इंडिया में ही बनाया जाएगा। इन सब डील के बावजूद अभी इंडिया की तरफ से 3 इंडियन मेड MiG-21 फाइटर जेट्स को रशिया को गिफ्ट के तौर पर भी दिया जाने वाला है। MiG-21s को आमतौर पर 1950s के दौरान मिकोयन कॉरपोरेशन की तरफ से डेवलप किया गया था और 1959 में इसे ऑफिशियली सर्विस में एंटर किया गया था, लेकिन 1985 के बाद रशिया ने इन जेट्स को मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया था। 1963 से इन जेट्स को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना शुरू किया गया था और इन जेट्स की कंप्लीट टेक्नोलॉजी को इंडिया के साथ शेयर भी किया गया था। अभी हमारे एयरफोर्स में भी करीब 120 के आसपास की MiG-21s मौजूद है, जिनको 2020 के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगला अपडेट पाकिस्तानी चॉपर को लेके है, जो कि कल हमारे एयरफेस में घुस आया था। इसी बात को लेके हमारी एक सब्सक्राइबर उत्कर्ष जायसवाल जी ने मुझे मैसेज किया था कि हमारे एयरफेस में घुसपैठ करना क्या इतना आसान है और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसका कोई जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं किया गया था। दरअसल 12:10 के आसपास एक पाकिस्तानी चॉपर जम्मू एंड कश्मीर के पीर पंजल वैली में करीब 700 मीटर तक हमारे एयरस्पेस में घुस आया था। जहां तक पता चला कि वो एक सिविलियन चॉपर था और उसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पीएम मौजूद थे। और जब इंडियन आर्मी को घुसपैठ का पता चला तो उन्होंने चॉपर को वार्न करने के लिए स्मॉल आर्म से वार्निंग शॉट फायर करना शुरू कर दिए थे और तुरंत ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 फाइटर जेट्स को भी लॉन्च किया गया था और उसके बाद वो चॉपर वापस अपने एयरस्पेस में चला गया था। इसी पर कमेंट करते हुए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लीडर ने कहा है कि इंडियन आर्मी ने फायरिंग करके गलत किया, क्योंकि एक सिविलियन चॉपर था और वो लकी थे कि वो सब सही सलामत है। और उनका कहना कि अगर ये मिलिट्री चॉपर होता तब इस पर फायर करना लाजमी था। और वो अभी इसी बात को लेके इंडिया के ऊपर कड़ा एक्शन लेने वाले हैं। इसका मतलब आप सिविलियन चॉपर लेके इंडियन एयरस्पेस में कहीं भी घुसपैठ कर सकते हैं, और अगर हम इसको रोकने की कोशिश करें तो हमारी गलती है। या तो आपका दिमाग खराब है या फिर आप पागल बनने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था जिसके अंदर बताया गया था कि LOC के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर सकता है और 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी रोटरी विंग एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भरेगा। और आप तो वो लाइन क्रॉस करके 700 मीटर तक अंदर आ गए थे। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप पर डायरेक्ट फायरिंग नहीं किया गया था, वरना आप जिस कॉन्डोलेंस मीटिंग में जा रहे थे उनको आपकी कॉन्डोलेंस मीटिंग में आना पड़ता। दोस्तों, अगला अपडेट HAL की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस की तरफ से बार बार रफेल डील को लेके मोदी गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि रफेल डील में HAL के बदले रिलायंस को क्यों सिलेक्ट किया गया है, जिसके पास एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर हम HAL की सर्विस हिस्ट्री पर थोड़ा सा नजर डालें तो हमारा HAL भी कोई बड़ी तेजी के साथ एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो पिछले 6 महीनों के अंदर सिर्फ एक ही नई तेजस को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया है और इस फिजिकल ईयर के एंड तक HAL को कम से कम 10 से 12 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना है, जिस हिसाब से वो अपने शेड्यूल से काफी पीछे हैं और अपने टारगेट से करीब 50% तक पीछे चल रहे हैं। बार बार HAL की तरफ से बताया जाता है कि वो तेजस की प्रोडक्शन को स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। फिलहाल अभी HAL की तरफ से बताया गया कि वो 2019 में ही तेजस MK1A की पहली फ्लाइट को करने वाले हैं और उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो अभी प्राइवेट फार्म्स को भी इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं और तेजस को अब प्राइवेट फार्म्स और HAL मिलकर मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की चेतक हेलीकॉप्टर को लेके है। इंडियन नेवी के एक चेतक हेलीकॉप्टर को तमिलनाडु के INS रजाली बेस में क्रैश लैंड करना पड़ा है। ये चॉपर अपने रूटीन सॉर्टीज पर ही था और इस दौरान इसकी मेन रोटर में कुछ खराबी आ गई थी, इस वजह से इसे क्रैश लैंड करना पड़ा था। इस दौरान किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है और सारे क्रू मेंबर सेफ हैं।
इसकी सही जानकारी अभी तक पता नहीं चल पाई है और इस एक्सीडेंट को लेकर फर्दर छानबीन जारी है। यह इसी महीने इंडियन एयरफोर्स की तरफ से होने वाली दूसरी क्रास है और इससे पहले 4 सितंबर को जोधपुर के आसपास एक MiG-27 विमान क्रास हुआ था जिसमें पायलट्स को कुछ छोटे मोटे चोटें आई थी। अगला अपडेट हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से है। आज पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया एक ऐसा देश है जो हमेशा शांति में रहना चाहता है और अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, लेकिन हमारी सरलता का ये मतलब नहीं है कि आप बार बार हमारे दामन पर कीचड़ उछालते जाओ और हम चुप बैठें। उन्होंने कहा कि इंडिया शांति चाहता है लेकिन हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारे देश को शांति को भंग करने की कोशिश करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इंडिया एक ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी भी देश की जमीन पर कब्जा करना नहीं चाहा है, लेकिन जो भी हमारी जमीन पर नापाक नजर डालेगा उसे हमारे आर्म फोर्सेस मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए।